ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಧಮಾಕಾ ಆಫರ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ದೊರೆಯು ಅದುವೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಪುರುಷರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ 25% ನಷ್ಟು ಧಮಾಕಾ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಶರ್ಟ್ टी शर्ट जीन्स पैंट फॉर्मल शर्ट स्टाइलिश कुर्ता इन हलवारु न्यू ट्रेंड बट्टे 25% रष्टु धमाका ऑफर इन मुद्दु मक्कळ मनसूरे सुंदर महिळेयर अंद हेच्चिसुव बट्टे मेले 50% रष्टु धमाका ऑफर इदे इन मेटालिक्स नल्ली महिळेयरिगागी चूड़ीदार अनारकली इंडियन कुर्ता वेस्टर्न कुर्ता फैशनेबल टॉप्स जीन्स बट्टे मेले 50% रष्टु ऑफर आफर सीमित अवधियवरेगे लभ्यविद्दु आफर न प्रयोजन पड़ेदुकोळ्ळलु कूडले भेटी नीडी मेटालिक्स शोरूम के हेच्चिन माहितिगागी संपर्किसि 9916068382 स्थळ मेटालिक्स स्टाइलिश वेर मेन्स वुमेन्स हागू किड्स बीएलडी रस्ते एसएस कॉम्प्लेक्स ಎದುರಿಗಿನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಗ್ಗಂಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಸ್ವಾಗತ ಆಪ್ಕಾ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಮೇ ಮೈ ಹೂಂ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾ ಔರ್ ಪೂರ್ವ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೋ ಸಿಬಿಐ ನೇ ಕಿಯಾ ಗಿರಫ್ತಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಕತ್ಲ ಮಾಮಲೆ ಮೇ ಆಜ್ ಸಿಬಿಐ ನೇ ಇನ್ನೇ ಗಿರಫ್ತಾರ್ ಕಿಯಾ ಹೈ धारवाड़ ग्रामीण एमएलए विनय कुलकर्णी पे ये आरोप है कि इन्होंने 2018 जून 16 को जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा कत्ल की साजिश में शामिल थे, जिस पर आज सीबीआई ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी और उनके भाई विजय कुलकर्णी को गिरफ्तार करके हुबली उप विभाग पुलिस थाने में सीबीआई इन्हें ले गई है, जहां इनसे जांच की जा रही है। विनय कुलकर्णी की गिरफ्तारी पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार का कहना है कि इस मामले में हमारे राज्य की पुलिस विभाग की तरफ से जो जांच पड़ताल थी वो की गई थी, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेताओं ने बदले की राजनीति करते हुए विनय कुलकर्णी के इमेज को खराब करने के लिए सीबीआई को भेजा गया है। इनके परिवार समेत जान पहचान वालों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कहा डीके शिवकुमार ने। और लिंगायत पंचमसाली पीठ के श्री जय मृत्युंजया स्वामी जी ने इस कार्य की निंदा करते हुए कहा कि विनय कुलकर्णी चुनावी राजनीति के चलते इन्हें हिरासत में लिया गया है, मगर इन नेताओं ने अपनी हद पार की है। इस तरह किसी को भी फंसाने की कोशिश की तो समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा और आगे आने वाले दिनों में इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है, कि चेतावनी दी है स्वामी जी ने। बताया जा रहा था कि विनय कुलकर्णी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस प्रतिक्रिया पर मीडिया ने जब सीएम येडियुरप्पा ईश्वरप्पा और आर अशोक से पूछा तो इन्होंने कहा कि हम अपराधियों को पक्ष में नहीं शामिल करेंगे और सीबीआई की कार्रवाई को स्वागत करते हैं, कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो पिछले दिनों बेलगावी सुवर्ण सौदा के पास लिंगायत पंचमसाली के रैली में सारे समाज की ओर से विनय कुलकर्णी ने रमेश जारकीहोली को मानवी दी थी कि इनकी समस्या को सुलझाया जाए। रमेश जारकीहोली ने ओपन ऑफर दिया कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, तो विनय कुलकर्णी ने इस बात को टाल कर हाथ जोड़कर पीछे हट गए थे। बाद में मीडिया को विनय कुलकर्णी ने बताया कि बीजेपी में जाने के लिए मैंने कोई फैसला नहीं लिया है, ये सभी मीडिया की रची हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं एक किसान हूं, अगर मैं राजनीति में कामयाब नहीं हूं हुआ तो अपने खेत में खेती करूंगा, कहा था विनय कुलकर्णी ने। जो भी हो, अब विनय कुलकर्णी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, अब देखना है सीबीआई आगे क्या कार्रवाई करती है। तो तब तक देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन। नमस्कार,
ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಇರುಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಮಂಡಳಿ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುತು ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರು ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ